जमाने की चलगत बड़ी बेतुकी है, जमाने की चलगत बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है। एक दो तीन चार जियो परकेशन परकेशन प्लीज परकेशन सबकी ये भजन, ये एक दो भजन सब गाएंगे, सबकी तालियों की आवाज भी आनी चाहिए, सब प्रेमियों की आवाज आनी चाहिए, जरा ये प्रेम से रहो। जमाने की चलगत बड़ी बेतुकी है, जमाने की चलगत बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है, ओ जिधर देखता हूँ मैं उधर सब दुखी है। मैं क्यों सुखी हूँ गिर के दुखों में भी, मैं क्यों सुखी हूँ ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है। एक लाइन में पूरा सार आ गया जीवन का, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, न धन में सुख है कहीं, दुनिया में कहीं शांति सुख नहीं है भाई, लेकिन ये जो घंटे दो घंटे प्रभु का नाम सुमिरन करके जो आनंद हम लेते हैं ना, उससे ज्यादा सुखी दुनिया में, इसीलिए कहा घिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, गिर के दुखों में भी मैं क्यों सुखी हूँ, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता। सब मिलकर गाना क्या, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता, बोलिए बोलिए, ये मैं जानता हूँ या तू जानता। उठाओ जरा हाथ जिसको जिसको मिला इस दरबार से, जरा प्रेम से ताली बजा के, एक दो तीन चार सेवक आयो तारे पास बाबा ध्यान रखना, वो साचो तारो तेरी पास सेवक आयो तारे द्वार बाबा ध्यान रखना, साचो थारो तेरी
ताली बजा के गाओ ना। हो घूमे हो दुनिया मिलो ना कोई साथी जो के वे अपना संता से सुनी झूठा सपना श्री शाम अपना जग झूठा सपना साचो थारो दरबार सेवक आयो थारे पर बाबा नाथ रखना साचो थारो दरबार सब गाइए लेकिन कीर्तन के हिसाब से ताली बजाते हुए प्रेम से चेहरे पे चेहरे सभी ने लगा चेहरे पे चोट गैरों से ज्यादा अपनों से खाए चोट गैरों से ज्यादा अपनों मुझे किस से कैसा शिकवा गिला है मुझे किस से कैसा शिकवा गिला है मैं जानता हूँ या तू जानता है मैं जानता हूँ या तू जानता है। चलो बताओ किसको किसको मिला इस दरबार से। अच्छा आप लोगों को मोबाइल मिला क्या इस दरबार से। मोबाइल छोड़ दो यार एक बार गा दो जरा हाथ उठाकर। तेरे दर पे आके क्या मिला है तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है ये मैं जानता हूँ या तू जानता है ये मैं जानता हूँ या तू जानता
ताली बजाते रहो जरा, एक दो तीन चार। में हमारे बीच में परम आदरणीय सुरेश गुप्ता जी, अनन्य श्याम प्रेमी, अनन्य श्याम भक्त। देखो ऐसे तो हम भजन गाते ही रहते हैं, लेकिन जहाँ गुणी लोग बैठे होते हैं, पुराने लोग बैठे होते हैं, तो उम्मीद रहती है कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, कुछ ना कुछ आशीर्वाद मिलेगा। मैं चाहूँगा एक बार आदरणीय गुरु जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। एक भजन अंकल मैं सुनाऊं आपको, लोगों ने बड़ी इस भजन की चर्चाएं की, जिसने जैसा जैसा मन वैसा वैसा अर्थ निकाला। लेकिन आप बताना मुझे कि मैंने कुछ गलत कहा है क्या? मेरे सांवरे ऐसे नहीं चलेगा। भैया बैठ जाओ ना, बैठो सब, भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ हो गया ये। ये गाड़ी नंबर है 9813 बलेनो, तो गलत तरीके से खड़ी है बाहर, जिस किसी की भी हो हटा ले, आपकी गाड़ी के चलते कई गाड़ियां फंसी हैं, ठीक है। जय हो, बजाओ ताली बजाओ जरा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। बड़ी जो क्यों कहा ऐसा पता है? ऐसा क्यों कहा कि बाबा हम रोज रोज आपको बिना वजह परेशान नहीं करते, लेकिन अब हमारे पास भी तो कोई दूसरा दरवाजा नहीं है जाने के लिए, हम परेशान हैं तो हम कहां जाएं? पड़ी जो मुसीबत तुमको पुकारा, पड़ी जो मुसीबत तो तुमको पुकारा, हमारी कसम तुमको आना पड़ेगा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। मेरे सांवरे आपकी ताली बजते रहे जरा प्रेम से जोरदार। बच्चा लोग नहीं आकर
चाला हमें अब किसी का सहारा नहीं है। बाबा ने पूछा मैं क्यों बचा लूं, तुमने कहा बाबा है कोई दूसरा दरवाजा इस कलयुग में जिस पे लिखा हो हारे का सहारा। हमने सुना है कि हम बेसहारों का, हमने सुना है कि हम बेसहारों का कलयुग में तू ही सहारा बनेगा। मेरे सांवरे अपनी दया का खजाना तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा। मेरे सावरे आपकी तालियां बजते रहे जरा प्रेम से, एक दो तीन चार। हिफाजत तुम्हारी, हम दीनों की दुनिया है आबाद तुमसे और दीनों से है बादशाहत तुम्हारी। ये माना के हम हैं गलतियों के पुतले मगर तुम दयालु हो ये जान के हैं। माना के हम हैं गलतियों के पुतले ये जानते हैं। तुम्हें अपना मालिक, तुम्हें अपना मालिक बंधु सखा और माता पिता भी तुम्हें मानते हैं। तुम्हें तुम्हें मानते हैं। प्रभु मान लिया हमने, हमें एक भी गुण पहले कह दिया ये माना के हम हैं गलतियों के पुतले, लेकिन प्रभु ये संसार को रचाने वाले आप, चलाने वाले आप, तो फिर ये कर्मों का ठीकरा हमारे सर पे क्यों? पूरी दुनिया तुमने बनाई, जैसे 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 जो जो चीजें बनाई सबका अलग अलग स्वभाव बनाया, सबके अलग अलग गुण बनाए। देखो कैसी विचित्र बात, किसी को पानी में डालो तो मर जाए और किसी को पानी से निकालो तो मर जाए, और ठीक रहा हमारे सर पे। सांप बनाओगे, बिच्छू बनाओगे और सोचोगे शहद उगलेगा, संभव है? कुम्हार 100 घड़े बनाता है,
98 अच्छे बने, सुडौल बने, दो घड़े टेढ़े मेढ़े बने, तो दोष माटी का कि कुम्हार का? हम तो कल भी मट्टी थे, आज भी मट्टी है और कल भी, तेरे नाम से जानते बाबा हमें, हमारा क्या है? सोच लेना, ये माना के हम हैं गलतियों के पुतले, मगर तुम दयालु हो ये जानते हैं, तुम्हें अपना मालिक बंधु सखा और माता पिता भी तुम्हें मानते, इसलिए सोच लेना। अगर अगर आंच हम पर, ताली बजाओ यार, अगर आंच हम पर जरा सी भी आई, अगर आज हम पर जरा सी भी आई, तुम्हारी दया पे जमाना हंसेगा, मेरे सामने अपनी दया का खजाना, तुम्हें आज हम पे लुटाना पड़ेगा, मेरे सामने। ताली बजाते रहो।